अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कमेंट सेक्शंस के हवाले से, Q&A वीडियो, जिसमें सब स्टूडेंट्स के जो व्यूअरशिप्स जितनी भी है हमारी, उनके कमेंट्स आए हुए हैं कि उस पर एक मौजू वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चले कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। आज मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक हुई थी और पेपर भी कैंसिल हुआ था, पेपर नहीं हुआ, तो ये उस हवाले से भी मैसेजेस हैं और आज के पेपर जो है वो कैसे हुआ है वो भी बताते हैं। तो मैं सबसे पहले है अक्सा जाफरीन का लिखा हुआ है कि यस वी डिड अ स्ट्राइक एंड वी आर नॉट सपोर्टेड बाई ओन कॉलेजेस गवर्नमेंट आर एनी अथॉरिटीज होल्डर्स। वाई वो कह रहे हैं कि जब हमने स्ट्राइक की तो हमारे साथ किसी कॉलेज वालों ने सपोर्ट नहीं की, ना गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी होल्डर्स ने। तो आज वहाँ स्ट्राइक हुई है, बकायदा मैंने पिछली वीडियो में सबको दिखाया भी है। और नेक्स्ट जो है ना वो किस वजह से हुआ है कि उसमें पेपर आउट ऑफ कोर्स था, स्टूडेंट ने जब देखा तो सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, एक घंटे बाद उन्हें स्ट्राइक दे दी। और इसी तरह जब डिस्पेंसर कैटेगरीज अदर कैटेगरीज वालों का भी था पेपर, उन्होंने भी स्ट्राइक दे दी कि जो फिज़िक्स केमिस्ट्री का है उसका भी आउट ऑफ कोर्स है, यानी ज़्यादातर मोस्टली फिज़िक्स आया हुआ था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़ में भी ये पेपर ये क्वेश्चन नहीं है, और ना ये क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री में इसमें आते हैं, न्यू सिलेबस में कम ही आते हैं, वो उन्होंने बाकायदा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेसस इज़ किंग, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि सर जी पास उस बार उन्होंने किसी को नहीं करना, यहाँ उनका प्लान बना हुआ है कि पासिस के लिए उन्होंने मौजू लिखा हुआ है कि किसी को पास नहीं करेंगे। इस दफ़ा जो है ना तकरीबन 70 से 80% पेपर टफ है और स्टूडेंट को आता नहीं, क्योंकि टफ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की हुई, क्योंकि पेपर्स सिलेबस चेंज होता रहा है इस वजह से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन्होंने बोला जो है ना, इन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत टफ था MLT का। MLT का पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने अपने ऑफिशियल पेज पर और फेसबुक ग्रुप पर में भी मेंशन किया हुआ, शेयर किया हुआ। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं पिक्चर मिली, लेकिन इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये 31,000 मेम्बर्स हैं, ये हमारा ग्रुप है। इसी तरह हमारा जो फेसबुक पेज है इसको भी आप लाइक कर लिया करें, और किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है ना व्हाट्सएप चैनल, इसी तरह यूट्यूब चैनल्स, इनके सारे दिए हुए हैं, इनको सबको फॉलो लाइक कर लेना है। तो आज का ये सीन बना है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिज़िक्स केमिस्ट्री के पेपर में से पैटर्न के मुताबिक 50-50% आना था, बट उन्होंने जस्ट 2 शॉर्ट्स और 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया केमिस्ट्री का और MCQs का, तो पता ही नहीं कहाँ से आई है। आज भी मेरी बात हुई है स्टूडेंट से, तो वो कह रहे हैं कि जो MCQs है ना आउट ऑफ कोर्स से आ रही है, कंसेप्चुअल आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आ रही है। फैकल्टी खुद पेपर ले बेहतर है, NTS वालों को पेपर बनाना नहीं आता, कैसा बनाते हैं, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोई ये ना कहे कि मेरा पेपर ख़राब हुआ है, सब स्टूडेंट का ऐसा है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि मुझे फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, लेकिन मेरी तबीयत नासाज है, मैं पेपर नहीं दे सकता। नहीं नहीं, पेपर दें आप, पेपर इसलिए वो नहीं दे रहा क्योंकि उसकी आता कुछ नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा फर्स्ट ईयर का डिस्पेंसर का पेपर स्किप हो गया है, काइंडली इस पर सप्ली का प्रोसेस बता दें, बट इसमें फ्रेंड का जो पेपर है ना स्किप हुआ था हमारी स्लिप की गलती की, काइंडली सप्ली का प्रोसेस बता दें। सप्ली के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन आता है, उसमें दोबारा आपको एडमिशन भेजना पड़ता है, तो अभी रुक जाएं, अभी जो है ना एडमिशन सप्ली के लेट जाएंगे, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब ये पास करेंगे या फेल कुछ भी नहीं आता, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं, कोई व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहे, और मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर किए हुए हैं, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें देखें, मैं डेली बेसिस पे आज अप्लाइड साइंसेस का दिखा रहा हूँ, ये पेपर आया हुआ था, तो काफ़ी कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्स भी था, कुछ कह रहे हैं कि हमें नहीं आता था, MCQs को देख लें तो MCQs का भी कह रहे हैं कि आउट ऑफ
तो ये भी मसला था सब स्टूडेंट्स के साथ। मैं डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ, मज़ीद अपने टीचर से रहनुमाई लेते रहें। लेकिन ये कि जो हम भेज रहे हैं ये नहीं है कि यही करने हैं, नहीं, इनको भी करें, बुक्स को भी रीड करें। और फार्मेसी टेक्नीशियंस की जो बुक्स हैं ना, जैसे स्टीलाइजेशन ओटी वाले हैं, स्टीलाइजेशन आटोक्लेव का प्रोसेस हो गया, ये चीज़ें वहाँ से याद करें, माइक्रोबायोलॉजी के नोट से वहाँ से भी कर सकते हैं इसी तरह। और फार्मेसी टेक्नीशियन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी, इसी तरह वहाँ की केमिस्ट्री होगी, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि एनटीएस उनके पेपर्स लेते हैं फार्मेसी वालों के, तो वहाँ से भी पेपर उठा लेते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इन्फॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।